हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे 1244 कंट्रोलर का कम्युनिकेशन वायरिंग, जो आप एक सिंपल तरीके से कैसे कर सकते हैं। सिंपल तरीके से कहने का मतलब आपको ऐसी वायरिंग आज सिखाऊंगा कि आप घर बैठे कोई भी 1244 कंट्रोलर को वायरिंग करके आप मोटर चला सकते हैं। आपको कोई भी एडिशनल किसी का हेल्प लेने की जरूरत नहीं है, या फिर किसी एक्सपर्ट से कॉन्टैक्ट करने की जरूरत नहीं है, या फिर किसी वायरिंग डायग्राम को अलग से देखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ इतना सा काम करिए और आप गाड़ी आपकी चल। तो दोस्तों आज लग रही है हमारे वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। स्किप करने से आपको कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाएगा, फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ियाँ हो जाएगी। तो दोस्तों आज वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपसे बोलूँगा आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को चालू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों ये ड्राइंग आप समझ रहे होंगे, 1244 कंट्रोलर का ये जो कम्युनिकेशन वायरिंग पोर्ट है और ये आपका पावर वायरिंग का एरिया है। तो आप कम्युनिकेशन वायरिंग और पावर वायरिंग दोनों एक साथ आज बता दूंगा सिंपल तरीके से कैसे कैसे होगा। तो देखिए दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि एक नंबर कहाँ लगेगा, दो नंबर कहाँ लगेगा और क्यों लगेगा। तो हम लोग पहले एक बैटरी बना लेते हैं। बैटरी बनाने से आपको ईजी पड़ेगा क्या कि कनेक्शन कौन सा कहाँ पे जाएगा। सपोज मानिए ये वाली एक बैटरी है, प्लस माइनस ये एक बैटरी है। तो क्या होगा यहाँ पे कंट्रोलर में क्या क्या रहता है, यहाँ पे लिखा रहेगा आपको F1 F2, यहाँ पे रहेगा B-, यहाँ पे रहेगा M-, ये रहेगा आपको B+। ठीक है दोस्तों, तो क्या होगा देखिएगा ध्यान से, ये जो B- है जो डायरेक्ट आपको बैटरी से उठ के इसमें आ जाएगा B-, कनेक्शन खत्म। B- का इतना ही कनेक्शन है। ठीक है, अब होगा क्या, अब ये जो B+ है बैटरी का प्लस जो है वो वायरिंग कहाँ कहाँ जाएगा ये बता देता हूँ। ये वायरिंग यहां से निकल के आपको एक फ्यूज में जाएगा ऐसे, फ्यूज से निकल के एक डायोड में जाएगा ऐसे, समझ गए, फ्यूज से निकल के डायोड में जाएगा, डायोड से निकल के की स्विच में जाएगा। की स्विच में गया, ये वाला डायोड है पोलैरिटी प्रोटेक्शन डायोड है। मैं बताता हूँ क्या होता है, ये फ्यूज है, ये बैटरी है। ठीक है, उसके बाद इतना तो रहेगा ही रहेगा, उसके बाद की कहानी हम लोग करेंगे, करना क्या क्या है समझ गए। तो ध्यान दीजिए, इसको हमने बताया था गिनना कैसे है। यहाँ पे ये एक नंबर रहेगा, इसको 12 नंबर कहेंगे, ये 13 नंबर है, नंबरिंग बहुत जरूरी है, ये 24 नंबर है। आपको लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि नंबर कैसे गिनना है, ये स्क्वायर जहाँ पे रहेगा वो एक नंबर होता है। तो ये एक नंबर जो है की स्विच से डायरेक्ट वायरिंग इसमें जाएगा, ये हो गया एक नंबर। आप सिर्फ इतना कनेक्शन कर देंगे, सिर्फ इतना B- को लगा दे और की स्विच का एक नंबर वायरिंग डाला तो कंट्रोलर चालू हो जाएगा, भले गाड़ी चले ना चले कंट्रोलर चालू हो जाएगा। उसका जो लाइट है फॉल्ट कोड वाला जो दिखाता है स्टेटस LED, वो आपको चालू हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। दूसरा, 2 नंबर में क्या डालना है, 3 नंबर में क्या डालना है, 4 नंबर में क्या डालना है। ये हो गया 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर। ज्यादा कनेक्शन नहीं करना है, सारी कनेक्शन नहीं करनी है, वो हिसाब से आपको जरूरत के हिसाब से करना पड़ता है। इसमें मैं एकदम सबसे सिंपलेस्ट कनेक्शन आपको बताऊंगा तो कि आपको इजी पड़े सबसे ज्यादा समझने में। दोस्तों एक नंबर का वायरिंग समझ गए, एक नंबर लगाएगा आपको डायरेक्ट की स्विच से लग जाएगा डायोड लगा के, और उसके बाद 2 नंबर का बारी आता है। 2 नंबर जो आएगा आपको, ये इंटरलॉक इसको बोलते हैं, इंटरलॉक का वायरिंग जो है सीधा की स्विच के बाद आएगा, ये भी यहीं पे आएगा। लेकिन यहाँ पे आप चाहें तो, नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा, चाहें तो एक इंटरलॉक स्विच लगा सकते हैं। ये मैंने पहले ड्रॉ नहीं किया इसलिए कि आप कंफ्यूज ना हो जाए, यहाँ पे आप चाहें तो इंटरलॉक स्विच लगा सकते हैं, नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा। ठीक है, अब आया 3 नंबर और 4 नंबर। 3 नंबर 4 नंबर में मोड सेलेक्ट स्विच है, इसको मैं सबसे इजी तरीका से आपको बताता हूँ। आप चाहे तो यहाँ पे नहीं भी लगा सकते हैं, इंटरलॉक स्विच नहीं भी लगा सकते हैं, मत समझिएगा लगाना जरूरी है। अब हम लोग आते हैं 3 नंबर और 4 नंबर में। 3 नंबर और 4 नंबर दोनों को लगाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ 3 नंबर में एक वायर लगा दीजिए। सबसे सिंपलेस्ट वायरिंग बता रहा हूँ इसलिए ज्यादा उसको वैसा मत समझिएगा, इतने में आपकी गाड़ी चलेगी और धड़ाधड़ चलेगी। ये आ गया, ये मोड सेलेक्ट 1 कनेक्ट कर दिया, सेलेक्ट 1, बस इतने में लगाएंगे तो चलेगा। उसके बाद हमें छोटा सा प्रोग्रामिंग बताऊंगा, उसमें थोड़ा बहुत करना है, मे बी कंट्रोलर में उस टाइप का प्रोग्रामिंग नहीं हो तो
बाकी ऐसे जनरली आपको डिफॉल्ट प्रोग्रामिंग यही आता है जो आप कनेक्शन कर पे इसके पे चलने लगेगा। ठीक है, अब एक दो तीन हो गया, बाकी को अब छोड़ना है। अब हमको आना है सीधा नौ नंबर पे, 12 11 10 9, ये है नौ नंबर, यहाँ पे लिखते हैं, ये है नौ नंबर, ये है दस नंबर, ये है ग्यारह नंबर। ठीक है, अब हम सीधा आते हैं नौ नंबर पे। नौ नंबर है आपको KSI कॉइल रिटर्न का, कॉइल रिटर्न का आपको KSI का कनेक्शन देना है, सॉरी कॉइल रिटर्न है, KSI नहीं, कॉइल रिटर्न का कनेक्शन आपको देना है कि स्विच के ये भी बाद में लगेगा, समझिए। ये चाहे तो नहीं भी लगा सकते हैं, मैं दे रहा हूं इसलिए कि थोड़ा बहुत तो कनेक्शन दिखना चाहिए, ये चाहे तो आप नहीं लगा सकते। ठीक है, ये कॉइल रिटर्न का कनेक्शन देना है, लेकिन आप चाहे तो नहीं लगा सकते, उसके लिए आपको प्रोग्राम में कॉइल रिटर्न का ऑप्शन ऑफ करना पड़ेगा। अब आते हैं ये 10 और 11 नंबर, ये जो चीज है 10 और 11 नंबर, ये आपको फॉरवर्ड का है और ये रिवर्स का है, 10 नंबर फॉरवर्ड का है, 11 नंबर रिवर्स का है, समझ गए। तो यू उसमें हम लोग जाते हैं, ठीक है, अब हम लोग 10 नंबर की वायरिंग कर देते हैं, एक फॉरवर्ड रिवर्स स्विच लेते हैं, सपोज माने ये मान लिया जाए कि फॉरवर्ड रिवर्स स्विच है, ठीक है, ये फॉरवर्ड रिवर्स स्विच है, ठीक है ना, ये फॉरवर्ड रिवर्स स्विच इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यदि ऊपर वाले में जाएगा ये कनेक्शन तो फॉरवर्ड हो जाएगा, और नीचे वाले में जाएगा ये कनेक्शन तो रिवर्स हो जाएगा, और ये वाला कनेक्शन भी आपको की स्विच के ऊपर से आएगा। सिंपल कनेक्शन है ना, एकदम सिंपल है, कुछ नहीं करना, गाड़ी इतने में चलेगी, आप गाड़ी कंट्रोलर कंपनी से खरीद के लाए हैं और डायरेक्ट लगाएंगे, इतने कनेक्शन में चलेगी। आप नौ नंबर ना लगाए तो भी चलेगा, प्रोग्रामर होना चाहिए, आपको ऑफ करना पड़ेगा, दो नंबर नहीं लगाए तो भी चलेगा, प्रोग्रामर होना चाहिए इंटरलॉक ऑफ करने का। ठीक है, अब आते हैं हम लोग आगे की ओर, क्या क्या लग गया देखेगा आपको, KSI लगे, की स्विच लगे, एक नंबर में कंट्रोलर चालू, दो नंबर लगे इंटरलॉक ऑन, तीन नंबर लगे मोड सिलेक्शन ऑन, गाड़ी चलना चालू, नौ नंबर लगे KSI मतलब आपको कॉन्ट्रेक्टर ऑन रहेगा परमानेंटली, दस नंबर लगे फॉरवर्ड, ग्यारह नंबर लग गया रिवर्स, फॉरवर्ड रिवर्स भी होना चालू। अब कंट्रोलर में क्या होता है वो सोचिए, बेसिक बेसिक, नेक्स्ट कंट्रोलर होता है कॉन्ट्रेक्टर, एक्सेलेटर पोर्ट, ये सारी चीजें लगेगी तो आपका काम हो जाएगा। तब हम लोग क्या लगाते हैं, एक्सेलेटर पोर्ट पे आते हैं, तो ध्यान दीजिए एक्सेलेटर पोर्ट का वायरिंग होता है, ये जो है 13, ये हो गया 14 नंबर और ये 16 नंबर, 14 और 16 में एक्सेलेटर पोर्ट 2x0 to 5 का कनेक्शन आप कर सकते हैं। ठीक है, बस हो गया, समझ गए, 0 to 5 की लो वाला कंडीशन है, 2x0 to 5 किलो ओम का आप कनेक्शन इतने में कर दिया, हो गया एक्सेलेटर पोर्ट लग गया, इतने में खत्म। एक्सेलेटर पोर्ट में एक चीज होता है, आपको जो इनपुट देना है आपको ध्यान रखिएगा, ये जो इनपुट है आपको 8 नंबर से दे सकते हैं यदि ऑन है तो, ठीक है, 8 नंबर का मैं सबसे लास्ट में कनेक्शन बताऊंगा, अभी ऐसे कंफ्यूज हो जाएंगे वो नहीं लगाना और लगाना में क्यों कंडीशन है। अब हम लोग आते हैं 17 नंबर, ध्यान रख, याद रखिएगा, आपको आपको ध्यान होगा तो ठीक है, नहीं तो मैं बता, 17 नंबर मेन कॉन्ट्रेक्टर के लिए कनेक्शन आता है, तो मेन कॉन्ट्रेक्टर ये आउटपुट है, समझ गए, मेन कॉन्ट्रेक्टर का आउटपुट है, तो जो हम बताए थे कि इसका दूसरा साइड आपको फिर पॉजिटिव से लेना है, तो यहां से लिए, ये गया मेन कॉन्ट्रेक्टर के लिए, ठीक है, अब ये मेन कॉन्ट्रेक्टर हो गया, मेन कॉन्ट्रेक्टर की कॉइल में लगेगा, ध्यान रखिएगा, ये है मेन कॉन्ट्रेक्टर, मेन कॉन्ट्रेक्टर का कॉइल में हमने उसको लगा दिया, गाड़ी चालू खत्म, प्रॉब्लम सॉल्व, इतने में आपका गाड़ी चालू। अब आते हैं मोटर पे, अभी सपोज मान ली ये वाला मोटर है, ठीक है, और इसका ये वाला फील्ड कॉइल है, ठीक है, इसको बंद कर दी, पूरा पैक हो गया मोटर, ये आर्मेचर है, ये फील्ड है, ये S1 है, ये S2 है, और ये यहां से निकलेगा, ये A1 है, ये A2 है, S1 S2 को यहां से लगा देते हैं, ये वायर यहां जंप करेगा, ये पावर वायरिंग है, ध्यान दीजिएगा, ये यहां से लग जाएगा, ठीक है, यहां भी जंप करेगा, ठीक है, और A1 A2 को, A1 लगेगा यहां पे, चाहे उल्टा भी लगा सकते, कोई जरूरी नहीं है, A2 को A1 में लगा सकते, खाली गाड़ी उल्टी चलेगी, आपको ऐसे पहले ही बताया है, A2 और ये A1 जो जाएगा आपको B+ पे जाएगा। मैं पावर वायरिंग को थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं, कंफ्यूजन ना हो इसलिए।
ठीक है दोस्तों, अब एक चीज और बच गया, एक चीज और बच गया। देखिए मैं बताता हूँ इसमें करना क्या है। मेन कॉन्ट्रेक्टर का पावर वायरिंग हम लोग लगा देते हैं, मेन कॉन्ट्रेक्टर का यहीं से आएगा, यहीं से पावर आएगा, पावर वायरिंग ये हो गया। अब ध्यान रखिएगा इसको, मेन कॉन्ट्रेक्टर कंसीडर करिएगा, ये भी प्लस से ही आएगा। ठीक है, इसको भी हाईलाइट कर देते हैं, कंफ्यूजन ना हो। समझ नहीं रहे तो थोड़ा सा कमेंट करिएगा कि थोड़ा फिर से समझा पाऊं। ऐसे तो मुझे लगता है बहुत इजी कनेक्शन, इसमें ऐसा कुछ है नहीं समझने वाला। ये है मेन कॉन्ट्रेक्टर, कॉन्ट्रेक्टर, ठीक है, समझ गए कितना सिंपल वायरिंग है, कुछ नहीं है, एकदम बच्चों का खेल, हलवा है हलवा, एकदम आराम से आप लोग कनेक्शन करते। इतने में गाड़ी चलने लगेगी, धड़ाधड़ चलने लगेगी। एक चीज मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ये आठ नंबर जो कनेक्शन होता है पैडल स्विच का है, इसको आपको ऑन करके रखना है कि ऑफ करके रखना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरी माने तो आपको ऑन करके रखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा सेफ्टी प्रोवाइड करता है। वो इसलिए कि जो एक्सेलेटर पोर्ट में जो लिमिट स्विच लगता है ना, वो इसी से कनेक्शन लगता है। यदि एक्सेलेटर पोर्ट में लिमिट स्विच नहीं लगेगा तो एक्सेलेटर पोर्ट किसी कारण से फेल हो गया तो गाड़ी चलने लगेगी। हालांकि ये इंटरलॉक लगा है तो नहीं चलेगी, लेकिन यदि इंटरलॉक नहीं लगा है तो चलने लगेगी। तो आपको मेरी मानिए तो मैं एक वायर बढ़ा देता हूँ, इसमें एक वायरिंग बढ़ा देता हूँ जो एक्सेलेटर पोर्ट के लिमिट स्विच में जाएगा। ठीक है, तो लिमिट स्विच में जाएगा, यहाँ से आपको बताता हूँ, ये यहाँ से जाएगा लिमिट स्विच में, एक्सेलेटर बोर्ड का लिमिट स्विच। ध्यान दीजिएगा, मैं देसी भाषा में लिख दूंगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये रहा यहां से, ठीक है, ये है एक्सेलेटर पोर्ट का लिमिट स्विच, एक्सेलेटर पोर्ट लिमिट स्विच है, लिमिट स्विच, ठीक है, ये है एक्सेलेटर पोर्ट का लिमिट स्विच, आठ नंबर में लगेगा। कंफ्यूजन है तो आप फटाफट कमेंट करेगा, नहीं तो ऐसे थोड़ा कंफ्यूजन आपको रह ही जाएगा और आप सोचेंगे कैसे हुआ क्या हुआ। इतना सिंपल है, 1244 के वायरिंग कितना सिंपल है, बच्चों का खेल हलवा है, समझ गए? नहीं समझे तो फिर से रिपीट करके देखेगा, जरूर समझ में। आप घर बैठे कंट्रोलर उठा के लाइए, और कोई भी डीसी सेपरेटली एक्साइटेड मोटर है तो आप उसमें लगाइए, और कोई भी गाड़ी घर में मोटरसाइकिल बना लीजिए ना, मोटरसाइकिल में आप लगा सकते हैं, आप घर में कार में लगा सकते हैं, एकदम घर पे बैठे बैठे किसी को हेल्प लेने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना बैठा हुआ, समझ गए? इसमें आठ नंबर में जब आप लगाएंगे, प्रोग्रामिंग की बात मैं कर देता हूं, प्रोग्राम में आपको क्या क्या ध्यान रखना है, दो नंबर के लिए प्रोग्राम में आपको इंटरलॉक आपको ऑन या ऑफ कर सकते हैं, या ऑफ कर सकते हैं। ये प्रोग्राम लिख रहा हूं, PROGRAM प्रोग्राम, ये प्रोग्राम की बात हम कर रहे हैं। इंटरलॉक को ऑन या ऑफ कर सकते हैं, इंटरलॉक को ऑन रखेंगे तो फिर आपको ये लगाना पड़ेगा दो नंबर में, ऑफ रखेंगे तो ये नहीं लगाना पड़ेगा। अब दो नंबर के बाद आते हैं आठ नंबर में आपको ये पैडल इंटरलॉक बोलते हैं, पैडल, इसको आपको ऑन रखना है, जरूर ऑन रखना है आपको। ये ऑन रखेंगे तभी आप ये वाले जो लिमिट स्विच ना काम करेगा एक्सेलेटर पोर्ट का, तो पैडल ऑन रखना है, ठीक है, कंपलसरी ऑन रखिए। मेरी माने तो, मैं अपने हिसाब से बताऊं तो आपको ऑन रखना, और अपने हिसाब से आप चाहे तो ऑफ भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता ऑफ करना चाहिए। उसके बाद ये आठ नंबर, ये मैं पिन नंबर की बात कर रहा हूँ, और भी चीजें हैं। उसके बाद आपको करना क्या है, ये आपको थ्रोटल में एक ऑप्शन आएगा, थ्रोटल, THROTTLE, थ्रोटल का ऑप्शन आएगा, उसमें टाइप थ्री करना है, ठीक है, थ्रोटल टाइप थ्री कंपलसरी होना चाहिए तभी ये वायरिंग काम करेगा, तो नहीं तो नहीं करेगा। उसके बाद एक और छोटा सा है प्रोग्राम, वो ऑक्सिलरी का ऑप्शन आएगा, ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर या फिर ऑक्सिलरी ड्राइवर आएगा, ड्राइवर, इसको आपको ऑफ करके रखना है, ठीक है। इतना प्रोग्राम कर दिया, गाड़ी आपका चालू, ठीक है, ऑक्सिलरी ड्राइवर ऑफ, थ्रोटल टाइप थ्री, पैडल इंटरलॉक ऑन, इंटरलॉक को ऑन या ऑफ दोनों कर सकते हैं। मैं तो कहता हूँ आप ऑफ करके रखो, ये वायरिंग एक आपको कम लगानी पड़ेगी, बाकी कुछ नहीं करना है, गाड़ी धड़ाधड़ चलेगी, एकदम उड़ उड़ के चलेगी। अब वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप कमेंट करके बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा और इससे आपको कितनी सहायता मिली, ठीक है दोस्तों, चलते हैं, जय हिंद जय भारत।